सैमसंग फाइनेंस का ईएमआई पे करना, पैसा फंस जाएगा भाई, क्योंकि प्रोसेस अब चेंज हो चुका है। बहुत लोगों का पैसा फंसा है और हम नहीं चाहते कि मेरे भाइयों का पैसा फंस जाए। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। तो जो प्रोसेस हम बताएंगे वही प्रोसेस आप फॉलो करना और तभी जाके इसका ईएमआई पेमेंट करना, वरना आपका पैसा भी फंस जाएगा और पैसा रिवर्ट नहीं आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लेन कर रखे हैं बट अभी तक मेरे खुद के कस्टमर का पैसा नहीं आया, तो आप लोगों का तो भाई बात ही छोड़ दो। तो जो प्रोसेस हम बताएंगे वही प्रोसेस आप करना और वीडियो पूरी देखना। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है आदित्य और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सैमसंग फाइनेंस का ईएमआई पेमेंट कैसे कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के जरिए। तो ये वीडियो बिल्कुल लाइव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एकदम कंप्लीट देखना। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि सबसे पहले इस फ़ोन में भाई एक सिम कार्ड डालना होगा, ठीक है। एक सिम कार्ड डाल लेना इस फ़ोन में जिसमें नेट हो, जिसमें नेट पैक हो, वो सिम कार्ड डाल लेना, डाटा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। नहीं ऑन हो डाटा तो यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे डाटा एक करने का आइकन आता है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। ये फ़ोन अभी साथ में लॉक्ड भी है, तो ये लॉक है, इसका पेमेंट करेंगे ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, तो ये भी आप लोग इस वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सिम लगाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो सैमसंग फाइनेंस का आइकन दिया हुआ है फर्स्ट वाला, इसमें हम लोग को क्लिक करना है। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग का यहाँ पे पेज खुल जाएगा और यहाँ पे लोन आईडी लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे लोन आईडी लिखा होगा, यहाँ पे आप लोगों को लोन आईडी को देखना है, DMI करके लिखा होगा। सो गाइस, जिस किसी का भी ये वाला मेथड नहीं काम कर रहा है लोन आईडी निकालने वाला, तो आप जाके ये वाला वीडियो जाके देख लेना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, हम आपकी जगह पे कस्टमर केयर से बात करके आपको लोन आईडी प्रोवाइड करवाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पर पहले ये वाला वीडियो जाके देख लो। तो सबसे पहले इस फोन का हम लोग पेमेंट करते हैं, तो सबसे पहले गूगल पे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर फोन पे जाएंगे और फिर पेटीएम पे जाएंगे। सो गाइस, गूगल पे एप्लीकेशन पे जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे बिल्स वाले सेक्शन में दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पे है, तो पे बिल्स वाले सेक्शन पे हम लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे पेमेंट कैटेगरीज आ गया है और यहाँ पे आप लोग को लोन पेमेंट का ऑप्शन ढूंढना है जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में व्यू ऑल का ऑप्शन है, हम लोग इस पर यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना और लोन पेमेंट का ऑप्शन ढूंढना है जो कि यहाँ पे दिख चुका है भाई, लोन EMI पेमेंट। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपली लोन EMI पेमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है DMI फाइनेंस, क्योंकि आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना कि आपका जो भी फोन है वो कौन से कंपनी से फाइनेंस है। तो ज़्यादातर सैमसंग का फ़ोन DMI से ही फाइनेंस होता है, तो यहाँ पे सिंपली DMI फाइनेंस लिख लेते हैं, बट आप लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे जैसे ही DMI कंपनी का नाम लिखते हैं यहाँ पे आ चुका है DMI फाइनेंस, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे लोन आईडी डालना है, जो आप लोगों को मैंने दिखाया था सैमसंग वाला लोन आईडी कहाँ से निकलता है, तो वही आपको लोन आईडी डालना है कैपिटल लेटर में, एक भी स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो जैसे DMI 00 है, DMI 00322, उसके बाद 76898। सो ये इसका लोन आईडी और यहाँ पे निकनेम में आ गया, कुछ भी आप डाल सकते हो और या फिर नहीं भी डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ नाम डालने आ रहा है, आप चाहो तो नाम डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, हम यहाँ पे नाम नहीं डालते हैं। यहाँ पे सिंपली लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसका फेच करेगा डिटेल्स कितना बाकी है, और यहाँ पे आ चुका है कस्टमर का नाम, अकाउंट होल्डर नेम आ चुका है पप्पू कुमार महतो। आप भाई ये वेरीफाई कर लेना कि इन्हीं का अकाउंट है ना, दूसरे के अकाउंट में पेमेंट मत कर देना। तो यहाँ से सिंपली हम लोग को लिंक अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही इसमें हम लिंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट आ जाएगा कि आप कितना ड्यूज अमाउंट आपका बाकी है। तो जैसे यहाँ पे आ चुका है पेमेंट कि 1838.70 पैसा आपका बाकी है, यहाँ पे नॉट पेड मार्क भी है। तो यहाँ पे सिंपली आपको पे बिल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जिससे भी आप कटवाना चाहते हो, वो बैंक अकाउंट सेव करके आप यहाँ पे सिंपली करवा सकते हो। पेमेंट यहाँ से कर दोगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। सो गाइस, गूगल पे का तो आप लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं हम लोग फ़ोन पे की तरफ। सो भाई, यहाँ हम लोगों ने फ़ोनपे का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लिया है और फ़ोनपे का एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको लोन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली लोन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लोन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी का नाम सर्च करना है कि आप जिस कंपनी से फाइनेंस पे लिए हो, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे आप चेक कर लेना आपका कौन सा कंपनी है फाइनेंस वाला। तो यहाँ पे DMI है मेरा, तो हम सिंपली यहाँ पे DMI क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोन आईडी डालना है कैपिटल लेटर में, सेम वही लोन आईडी जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने लोन आईडी डाल देना 76898।
लोन आईडी डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स निकाला आएगा कि किसके नाम से फ़ोन है। यहाँ पे खुलने में टाइम लग रहा है और यहाँ पे देख लो पप्पू कुमार महतो, कुमार महतो पप्पू, यहाँ पे उल्टा आता है, उल्टा फुल्टा आ जाता है। तो यहाँ पे पप्पू कुमार महतो के नाम से आ चुका है 1838.70 पैसे, फ़ोन पे में निकल चुका है। अब यहाँ से हम लोग को प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है आप उससे पेमेंट इसका कर दो और पेमेंट इसका हो जाएगा। तो ये मेथड है आपका फ़ोन पे का। सो भाई अब बारी है पेटीएम एप्लीकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये मेरा पेटीएम एप्लीकेशन भाई फेवरेट है। हम इसी एप्लीकेशन से लोन आईडी पेमेंट करते हैं, जिस किसी का भी लोन हम इसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और हम आपको यही एप्लीकेशन इसी एप्लीकेशन को रिकमेंड भी करेंगे। गूगल पे फ़ोन पे जिसके पास पेटीएम नहीं है वो गूगल पे फ़ोन पे का यूज़ कर सकते हैं, बट आप पेटीएम से भी ट्राई कर सकते हो। पेटीएम मेरा फेवरेट एप्लीकेशन है। तो चलो अब हम लोग पेटीएम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइज यहाँ पेटीएम एप्लीकेशन पे आने के बाद हम लोग को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कहीं पे लोन का ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पे लोन का ऑप्शन दिख रहा है, अगर नहीं मिले तो यहाँ पे ऊपर में सर्च भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मुझे मिल ही गया है तो यहाँ पे सर्च नहीं करता। तो पे लोन का ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेम बिल्कुल उसी तरह फाइनेंस कंपनी का नाम डालना है जिस भी कंपनी से आपका फ़ोन फाइनेंस है। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं DMI फाइनेंस। और अब यहाँ पे आपको लोन आईडी डालना है, तो DMI 003226898 मेरा लोन आईडी है भाई, आप लोग अपना अपना डालना, मेरे में मत कर देना। और यहाँ पे सेव दिस बिल एज ऑप्शनल, ये मॉम डैड अदर फलाना चिलाना कुछ कुछ है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, नाम वाम सेव करना चाहो तो कर सकते हो, वरना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा कि किनका बाकी है। तो पप्पू कुमार महतो नाम यहाँ पे आ जाएगा। बिल डिटेल्स पे आप लोग क्लिक कर देना, आप लोग एक बार नाम वेरीफाई कर लेना कि नाम वेरीफाई है ना, अमाउंट भी वेरीफाई कर लेना कि अमाउंट भी ठीक है ना, किसी और पे पेमेंट मत कर देना। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड टू पे पे हम लोगों ने क्लिक किया और यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए मुझे मांगा जा रहा, तो यहाँ पे हम सिंपली पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है, पासवर्ड दे दिए और यहाँ पे हम इंटर किए, तो ये प्रोसेस ले रहा है पेमेंट का। और ये फ़ोन अभी तक यहाँ पे इसका EMI पेमेंट नहीं हुआ है, वही वाला फ़ोन है तो रखा हुआ है। अभी देखो EMI इसका पेमेंट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे अभी इसका EMI पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल लिखा गया। अब हम लोग को यहाँ पे इस रिफ्रेश आइकन जो यहाँ पे दिख रहा है, इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख लो अभी आपको बज रहा है 11:16, ठीक है, बट यहाँ पे जो आपको यहाँ पे टाइम शो हो रहा है वो 9:03 का ही हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करोगे तभी पेमेंट जाके आपका वहाँ पे लोड हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो रिफ्रेश कर लिए, रेड से ब्लू हो गया, इसका फोकस नहीं हो पा रहा है कैमरा का। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते ही 11:16 यहाँ पे भी आ गया और ये रेड से ब्लू हो गया। सो अब इसका पेमेंट हो चुका है और आपका पेमेंट यहाँ पे डिटेल्स में भी आ जाएगा जो कि आप लोगों ने अभी, सो 11 अप्रैल को मैंने यहाँ पे सक्सेस आया है, 11 अप्रैल को 11:16 पे पेमेंट हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो यही था पेमेंट, और पेमेंट होने के बाद ये फ़ोन खुल भी गया होगा, देखो देखो ये फ़ोन अनलॉक भी हो गया, पैटर्न है, ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है पूरी तरह से। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोगों ने तीनों प्रोसेस जान लिया कि गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के जरिए कैसे पेमेंट करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अलग वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ।